ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल उठा है। जहां रणवीर, आलिया, विक्की, कैटरीना की शादी की बातें चल रही हैं, वहीं राजकुमार राव शादी करने जा रहे हैं। खबरें ऐसी हैं कि राजकुमार और पत्रलेखा 14 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब सब राजकुमार राव को तो जानते हैं, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है पत्रलेखा, उनके बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं। जैसे कि पत्रलेखा कौन है, राजकुमार से कब मिली और अभी वो क्या करती है। तो आपको बता दें कि राजकुमार राव पिछले 10 सालों से पत्रलेखा को डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। राजकुमार राव की पत्रलेखा से पहली मुलाकात एक विज्ञापन शूट के दौरान हुई थी। इस मुलाकात में ही राजकुमार राव पत्रलेखा को दिल दे बैठे थे। पत्रलेखा की पहली फिल्म राजकुमार राव के साथ थी। 2014 में पत्रलेखा ने राजकुमार के साथ फिल्म सिटी लाइट से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान पत्रलेखा और राजकुमार राव के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिर पत्रलेखा राजकुमार राव के साथ नानू की जानू और लव गेम्स में नजर आईं। इसके बाद उन दोनों में नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ी और अब दोनों 10 साल बाद शादी करने जा रहे हैं। पत्रलेखा ने अपनी करियर की शुरुआत एडवर्टाइजमेंट से की थी। आपको बता दें कि पत्रलेखा के पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के फैसले के विरुद्ध गई और एक्टिंग को अपना करियर बनाया। 2014 में पत्रलेखा ने राजकुमार के साथ फिल्म सिटी लाइट से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था। सिटी लाइट्स के अलावा पत्रलेखा लव गेम्स, नानू की जानू, बॉस, बादाम गली जैसे फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। ये था पत्रलेखा का प्रोफेशनल कैरियर। जाते जाते आपको बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी की शुरुआत आज यानी 13 नवंबर से होनी है। आज उनकी मेहंदी की रस्म होनी है। इसके बाद से 14 नवंबर को फेरे और दूसरे रस्में होंगी। वहीं विदाई का कार्यक्रम 15 नवंबर को रखा गया है। इस खबर में बस इतना ही। इंटरटेनमेंट और टीवी जगत के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया न्यूज़ इंटरटेनमेंट।